गुड मॉर्निंग। हेलो, आज यार हम थोड़ा लेट उठे हैं। बच्चे हमारे सारे स्कूल जा चुके हैं और मुझे नाश्ता मिलेगा कि नहीं थोड़ा डांट सुनने के बाद मिल जाएगा, तो ये उठ जाते हैं। नाश्ता भी मिल ही जाएगा थोड़ी देर में। दिस इज चाय विद थोड़ी सी मलाई एंड टू चपातीस इन रोटरी एंड रोट्रैक कप। भैया हम लोग थोड़ा सोशल टाइप के लोग हैं, वो क्या कहते हैं सामाजिक। होली गुजरे हो गए 7-8 दिन और बड़े भैया अभी कल ही होली मिलन समारोह मिल के आए हैं और हम लोग आज दो बीवियों के साथ हम लोग जा रहे हैं होली मिलने। साथ में हमारा है लिटिल चैम्प आयु। आज हम लोग जा रहे हैं, एक हमारे अंकल हैं जो घर से हमारी दूरी है लगभग 7-8 किलोमीटर, तो उनके घर आज होली मिल के आते हैं। अगर गुजिया उजिया बची होगी तो हम लोग भी खा पी लेंगे, क्यों है कि नहीं। हुई मंकी भैया कुछ खाने के लिए नहीं लाए, देखो खाने के लिए देख रहा है कि कुछ मिल जाए खाने का, कुछ दे। हुई मंकी बुजी बाबू जी, देखो 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 तो छोटो टायू रही चल मुद्दे। ये लोग अंदर ही नहीं घुसरे, बताइए। बढ़िया बढ़िया। हाँ तुम लोग कब आए? अच्छा तो मेहमान लोग हैं अभी। Scream so loud, we are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. भैया आयु हमारे सो गए, गोदी में घूम रहे हैं अब। ये हमारी गाड़ी है तो गाड़ी बैक कर लेते हैं तब तक। आयुष्मान भी ड्राइविंग सीख रहे हैं। आयुष्मान कह रहा है मैं भी गाड़ी चलाऊंगा। हाँ चलाओ चलाओ, मम्मी से कोई बात नहीं करनी है, चलाओ तुम। आयु आगे देखो, आयु आगे देखो। आयुष्मान कहेगा नहीं पापा मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मैं सीधे थार चलाऊंगा। और आयु की मम्मी कहेगी नहीं मुझे नहीं बैठना, मुझे अपने बेटे की गाड़ी में बैठना है। रिमी दीदी घर से आ गई, साथ में अपने बथुआ साग लेके आई हैं। और ये हमारी छोटी मामी और बुआ जी, ये लोग साग को ऐसा दिल से बिल्कुल सफाई कर रहे हैं कि आज लगता है भौकाली खाना बनने वाला है। भैया आज खाने में कुछ साग जैसा लग रहा है, बड़ा अजीब सा। आई डोंट लाइक दिस। फिर भी मजबूरी है भैया, खाना पड़ेगा। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता यार। भैया पालक जब पनीर के साथ होता है तो लाइन में सबसे आगे हम खड़े होते हैं, लेकिन पालक जब आलू मटर के साथ होता है तो भैया उस लाइन में हम दिखाई तक करना पड़ता है। पालक पनीर के साथ ही समझ में आता है, फिर भी मैंने भोजन कर लिया है, ठीक ठाक बना है।
लोग वक्त हो चुका है लगभग 4:15 और मैंने प्लान किया कि आज अंडा बर्गर बना के खाना है, एक बर्गर यू कैन से। कभी कभी घर पे खुद भी बना लिया करो, हमेशा बीबी को तंग करना अच्छा नहीं होता। चाय इज रेडी, दिस इज अंडा बर्गर, आई लाइक द मोस्ट। एक चीज और है, वर्कआउट में भी अंडा काम करती है, ये सोच के हम अंडा बर्गर खाया करते हैं बीच बीच में। चीयर्स। अरे भैया, आज हम वर्कआउट के लिए जा नहीं पाए, बड़े भैया गए हैं कहीं मीटिंग में डॉक्टर्स के साथ, और यहाँ ओपीडी मरीज आ ही रहा है तो हमें इसको देखना तो ज़रूर होगा। आदर्श भैया और राजेश भैया तो जा चुके हैं लेकिन हम नहीं जा पाए। फीलिंग वेरी बैड, पूरा मूड था, ड्रेसिंग भी पूरी कर रखी थी लेकिन जब वक्त हुआ तो ओपीडी 3-4-5 लोग आ गए, अब उनको तो निपटना पड़ेगा। मरीज देखते देखते इतना टाइम लग गया कि 7:30 वक्त हो चुका है, अब क्या जाएं जिम। भैया नानी का डिनर चल रहा है, भैया अभी हम लोगों के लिए तो खाना बन ही रहा है लेकिन नानी अपना टाइम से डिनर कर लेते हैं। भैया बहुत बॉडी कॉन्शियस माइंडेड ये लोग हैं। गंदी बात है, अरे 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 भाई लोग, वक्त हो चुका है लगभग 8:30। ये वक्त होता है हमारे टाइगर्स का खाना खाने का। आज खाने में है सोयाबीन आलू की सब्जी, चावल विद चपाती, चपाती कंटिन्यू तैयार हो ही रही है। मम्मी हमारी खाना वाना दे रही है हम लोगों को, मेरा भी नंबर आया नहीं है। खाओ भाई खाओ, आर्यन खाओ, खाना खाओ। अबे ऐसे थको मत यार, तुम तो लग रहे हो बैंड बज गई तुम्हारी। चलो थोड़ा खा लो, फिर गुड़ खा लो थोड़ा। ये लो गुड़ आ गया तुम्हारे लिए। ऐसा लगता है भैया जैसे जेल में खाने की थाली आती है सलाख से, बिल्कुल सेम फीलिंग। पानी का ग्लास दिया जाए। नहीं मैंने फिल्मों में देखा है। आप बताओ तुम्हें कैसे पता कि ऐसा खाना नहीं दिया जाता जेल में, तुम गए हो कभी जेल में? तो फिर तुमने कैसे बोल दिया ऐसे नहीं दिया जाता? क्योंकि वो खुद थोड़ी ना देता। तुम्हारी आईसी उड़ गई है बेटा थोड़ा। भैया हम लोग सब लोग टुक टुक मुनमुन हम और आयुष्मान लोग रात में स्कूटी की सैर कर रहे हैं, फुल टू मजा ले रहे हैं। भैया हम लोग स्कूटी बहुत धीरे धीरे चल रही तो डरने की कोई बात